हेलो एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में, उपग्रह के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है ऑर्बिट्स के टाइप, कक्ष के प्रकार, तो हो सकता है कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आए। तो आई विल प्रेफर यू कि आप पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस टॉपिक पे मूव ऑन करें। इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों पे बात करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स की कि किसी भी सैटेलाइट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो कि बेसिक पार्ट्स में हम कवर करेंगे। दूसरा होगा कि जब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में कि सैटेलाइट के कितने टाइप्स होते हैं, और सबसे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली लॉन्च सैटेलाइट की लिस्ट। हालांकि ये जो लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप हो सके तो वहां से ये लिस्ट को अपने नोट्स के पर्पज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जो है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो इसमें कवर कर रहे हैं वो सबसे पहले साइंस एंड टेक के जितने भी लेक्चर्स हैं एक स्टेप वाइज स्टेप जो है वो कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। सिंपल सी चीज़ है कि जब हम किसी सैटेलाइट को अर्थ से छोड़ते हैं, अब अर्थ से छोड़ते हैं तो फिर सपोज करो कि ये जो पार्ट है ये एक ऑर्बिट है, ये एक कक्ष है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि एक एलईओ है, एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसी में वो सैटेलाइट क्यों लगातार घूमते रहती है, तो इसके घूमने का जो कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैटेलाइट तभी किसी ऑर्बिट में घूमती है जब अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो उसको खींचती है, और सैटेलाइट एक ऐसी स्पीड को हासिल कर लेती है जिसमें अर्थ की ग्रेविटी और सैटेलाइट की स्पीड बैलेंस हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे, जिस स्पीड पे ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है ताकि ये जो सैटेलाइट है वो आसानी से घूम सके उसके ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में, जिस कक्ष में हम उसको छोड़ना चाहते हैं, इसी स्पीड को, जहाँ पर यह बैलेंस होता है, इसी स्पीड को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिमम स्पीड, या आप बोल सकते हो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो किसी भी सैटेलाइट को चाहिए होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं कि अगर आपने कभी अपने बचपन में हाथ में अगर चाबी का छल्ला घुमाया होगा, तो अगर आप ज़्यादा स्पीड देते हो तो वो छल्ला हाथ से निकल के बाहर गिर जाता है, जबकि आप कम स्पीड दोगे तो वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं घूमेगा। कॉन्स्टेंट हाथ में उसे घुमाने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है ताकि वो हमेशा बैलेंस होकर घूमता रहे। तो वो जो स्पीड है ना जिसके कारण वो लगातार घूम रही है, इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, हिंदी में बोलेंगे कक्षीय वेग। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट की, कि सैटेलाइट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतने लंबे समय तक किसी भी ऑर्बिट में घूमने के लिए इन्हें कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है, मतलब इनमें जो मोटर लगा है, जो भी रॉकेट मोटर लगा है, उसे लगातार घुमाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, फ्यूल तो चाहिए। तो जनरल फॉर्म में ये जो आप पैनल देख रहे हो उसको सोलर पैनल बोलते हैं, सोलर बैटरी बोलते हैं, जो सनरेज से, सूर्य की किरणों के कांस्टेंट सप्लाई के कारण काम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि बिना सोलर पैनल जो है वो सैटेलाइट काम नहीं करेगी। पर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल पर रिलाई नहीं कर सकते कि हम इसी पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं। इन केस अगर ये सोलर पैनल किसी तरीके से खराब हो जाते हैं तो इनमें फॉर इमरजेंसी फ्यूल टैंक भी होता है। फ्यूल टैंक जो कि बेसिक फॉर्म में इमरजेंसी के फॉर्म में ईंधन के तौर पर इसे मदद देगी। नेक्स्ट चीज होता है कि इसमें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, कि ये सैटेलाइट कैसा है। अगर सपोज करो कि हम ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सुदूर संवेदन, जिसमें हमें किसी भी एरिया की फोटो लेनी है, तो सिंपल सी चीज है कि इसमें कैमराज होंगे, इसमें सेंसर्स होंगे, तो इसमें कई टाइप के इक्विपमेंट भी लगे होते हैं, जैसे इसमें लीडार का इस्तेमाल होगा, लेजर का इस्तेमाल होगा, सेंसर होंगे, कैमरा होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें दो एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। बेसिकली सपोज करो ये ग्राउंड है, अर्थ पे कोई एंटीना लगा है, और यहाँ पे अर्थ पे कोई भी एंटीना है। जस्ट सपोज करो कि हमने अपना इंटरनेट ओपन किया और हमने इंटरनेट पे कुछ टाइप किया, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मिल जाती है। पर वो जो चीज़ आप देखना चाह रहे हो, सपोज करो कि वो आपके लोकल एरिया से नहीं है, सपोज करो कि आप इंडिया में हैं और आप कोई वीडियो देखना चाह रहे हो जो जापान से रिलेटेड है, तो ऐसे कंडीशन में ये तुरंत आप तक अवेलेबल कैसे होती है। तो इसमें काम
सैटेलाइट ही करता है कि एक पॉइंट से जो एंटीना है वो सिग्नल को भेजती है और ये जो सिग्नल जाती है ये अपलिंक एंटीना के थ्रू जाती है, ये एंटीना आप देख रहे हो, जबकि जिस पॉइंट पे जहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए ये डाउनलिंक एंटीना से आपके तरफ आती है। तो ये दो टाइप के एंटीना है जो आपको बिल्कुल याद रखना, एक अपलिंक और दूसरा डाउनलिंक। नेक्स्ट चीज है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब सैटेलाइट ना अर्थ के चारों तरफ घूमते रहती है, सपोज करो कि यहां पे सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से घूम रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो काफी ऊपर होंगे सैटेलाइट, सपोज करो जीएसओ में होगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो वहां तो क्या होता है कि 24 घंटे लेते हैं ये अर्थ का एक चक्कर लगाने में, तो स्पीड काफी कम है इनकी कंपेयर करो एलईओ से। तो क्योंकि एलईओ में मैंने बताया था आपको कि 90 मिनट में ये एक चक्कर लगा लेते हैं अर्थ का, तो जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे क्या होता है कि इनमें फ्रिक्शन फोर्स या आप बोलो ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खिंचाव, किसी भी चीज को जब आप फेंकते हो ना तो एक ड्रैग फोर्स लगता है जो उसको खींचती है, तो जो जहां पे स्पीड कम होगा, जहां पे भी स्पीड अगर कम है तो वहां पे ड्रैग फोर्स भी कम लगेगा, जहां जबकि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। अब ड्रैग फोर्स ज्यादा लगने का कारण होता है कि इसके पार्ट जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं और इसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, मतलब इसका जो जीवन काल है सैटेलाइट का वो कम हो जाएगा। अब इसके कारण इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, स्पीड कम होने के कारण क्या होता है कि ये अपना जो ओरिजिनल ऑर्बिट है ये वाला, इसको छोड़कर वो धीरे 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 अपने ऑर्बिट को छोड़कर अर्थ के करीब आने लगती है, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि अर्थ जो है वो लगातार हमेशा अपनी ग्रेविटी से किसी भी सैटेलाइट को खींचते रहता है। अब वापस से ऐसा कैसे हो जाता है कि ये वापस से अपने ऑर्बिट में पहुंच जाती है, तो इसके लिए क्या होता है कि सभी सैटेलाइट में बूस्टर लगे होते हैं। बूस्टर एक फॉर्म में आप जो है कह सकते हो कि बूस्टर एक टाइप का रॉकेट होता है, और ये रॉकेट क्या करता है एज अ कोड ऑफ इमरजेंसी, जब ऐसा लगता है कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़ रही है और अर्थ के पास जा रही है, तब ये बूस्टर काम जो है करता है इमरजेंसी में और वापस से उसे अपने ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट के लिए उसे छोड़ा गया था वापस से उसे वो अपने ऑर्बिट में पहुंचा देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट है। अब बात आती है कि सपोज करो कि अगर ये सैटेलाइट आपको अपलिंक एंटीना और डाउनलिंक एंटीना से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाए, जैसे कि अगर बारिश हो रही है, अगर कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, तो फिर बिना कम्युनिकेशन के ये सैटेलाइट किसी भी काम का है नहीं। आप सिंपली देखते हो कि घर में डीटीएच लगा होगा, टाटा स्काई लगा होगा, पर कई बार ऐसा होता है कि बारिश के कारण ये काम करना बंद कर देते हैं, अबंडेंट सर्विस या जो है पुअर कनेक्टिविटी के ऑप्शन जो है वो शो करने लगते हैं। तो ये किस तरीके से काम जो करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो सभी सैटेलाइट जितने भी हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना पड़ेगा ईएम वेव्स। ईएम वेव्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि कई टाइप के वेव्स होते हैं ईएम वेव्स, जैसे कि विजिबल हिंदी में बोलते हैं दृश्य विकिरण, नेक्स्ट होता है रेडियो वेव्स, नेक्स्ट होता है अवरक्त जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आता है लघु रेडियो तरंगे, उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो ये जितने भी सैटेलाइट है ना वो बेसिक फॉर्म में जिसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें सिग्नल कभी दिखाई देते नहीं, क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, और रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करने के लिए चूंकि ये वेव है, वेव का मतलब हिंदी में तरंग है, तो इन्हें वेव की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो है, जो यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो हर्ट्ज होता है, इसी हर्ट्ज के आधार पे कई टाइप के फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, बैंड्स का मतलब रेंज होते हैं, इसी रेंज में अलग अलग टाइप के सैटेलाइट काम जो है करते हैं। बेसिक फॉर्म में देखो ये बैंड के जितने भी रेंज है ये आपके सामने लिखे हैं, आपको तो ये पूरे तरीके से याद नहीं करना है, पर फिर भी आप चाहो तो नोट्स बना के रख सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करनी कि एग्जैक्ट कितने से कितने के बीच में होता है, पर कुछ इंपॉर्टेंट वेव्स है, फ्रिक्वेंसी बैंड वेव्स है, उसको आपको याद रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये करते क्या है, तो देखिए जैसे इंपॉर्टेंट हम बात करें सी वेव्स, के यू और का बैंड, ये सबसे फेमस बैंड्स हैं। अब सी जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 4 से 8 गीगाहर्ट्ज के बीच में जितने भी रेडियो वेव्स होंगे वो सी बैंड में आते हैं। के यू बैंड जो होता है वो कितने से कितने के बीच में है, 12 to 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में आते हैं, वो के यू बैंड में आते हैं, जबकि 27 to 14 गीगाहर्ट्ज जो कि काफ़ी ऊपर है ये का बैंड में आते हैं। अब जैसे कि आपसे अगर पूछता है कि सी बैंड किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो देखिए हम जो वॉइस कनेक्शन करते हैं, जो बात करते हैं फ़ोन से, दूसरा हम अगर बात करें कि सेल्फ यूज़ के लिए, जैसे मैसेजिंग वगैरह के लिए अगर हम बात करें, तो सी बैंड का इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि कौन से बैंड से हम जनरली, जो नॉर्मल पब्लिक
है वो कौन से बैंड का इस्तेमाल करती है, तो वो सी बैंड का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप जो अपने घर में जो टाटा स्काई चला रहे हो, उसके बाद डीटीएच चला रहे हो, जितने भी कंज्यूमर सर्विस है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि अभी मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन है जो चल रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो दे रही हैं, स्कूल्स दे रही हैं, वो सब KU बैंड का इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये 12 टू 18 GHz के बीच में होती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो हम ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करते हैं, जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं, ये सब के सब KU बैंड में आता है। जबकि अगर हम का बैंड की बात करें, KA बैंड की बात करें, तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है, ये बेसिकली इनका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज तो बहुत ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा इंटर सैटेलाइट वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए होते हैं, पर इंटर सैटेलाइट के लिए ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंड्स हैं जिस पे ये काम करती है। और ये जो आप देख रहे हो VHF, UHF, इनका क्या मतलब होता है? तो देखो, VHF का मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंड है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा नाम लिए जाता है बैंड्स में वो होता है L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, KU बैंड, K बैंड और K बैंड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है C, KU और K बैंड। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपसे पूछता है नॉर्मली अगर इस टाइप से क्वेश्चन कि लो फ्रीक्वेंसी में कितने फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं, तो 30 से 300 किलो हर्ट्ज जो है वो लो फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, कम आवृत्ति वाले। और ये नेविगेशन में इस्तेमाल होता है। नेविगेशन का सिंपल मतलब है कि जो भी नेविगेशन से रिलेटेड सैटेलाइट होगा, मतलब आपसे पूछता है कि GPS किस पे काम करती है, तो GPS 30 से 300 किलो हर्ट्ज। फिर आपसे अगर कोई पूछ दे कि एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज जो चल रहे हैं, वो किस तरीके से अपने रूट ढूंढते हैं, उसके लिए कैसे सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मीडियम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे रडार के बारे में पूछता है, तो रडार जो है वो 3 से 30 GHz, जो कि बेसिक फॉर्म में अगर आप देखो तो ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। सेल फोन्स अगर पूछता है, हम जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो किस पे काम कर रहे हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो UHF, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम जो है करती है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप हालांकि पूरे तरीके से ये रेंज तो याद करने में अगर आपको दिक्कत होती है, तो फिर भी आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली से याद कर ले, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ इनके एप्लीकेशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप है, देखो हर सैटेलाइट का अलग अलग यूज है, ऐसा नहीं कि हम एक ही सैटेलाइट से सारे यूज और सारे एप्लीकेशन ले सकते हैं। इसमें कई टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, पर हम जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स की बात करेंगे वो 5 से 6 है। सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हिंदी में बोलते हैं दूर संचार उपग्रह। अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, कम्युनिकेशन वर्ड से ही क्लियर है कि कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, दूर दूर के डिस्टेंस तक बात करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ओवर लार्ज डिस्टेंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है इनसैट और जीसैट। मैंने लास्ट टॉपिक में GPS में आपको ये बताया भी था, इनसैट जो है और GSAT भी बताया था मैंने आपको, तो ये इसी कैटेगरी में आते हैं। अब आपसे पूछेगा कि ये जो सैटेलाइट है वो कहाँ प्लेस्ड होते हैं, तो ये 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। अर्थ से आप कितने ऊंचे जाओगे, 35,786 किलोमीटर, और जहाँ पे इनको रखा जाता है, जहाँ पे इनको छोड़ा जाता है, उनको कौन सा ऑर्बिट बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं GEO ऑर्बिट्स, ठीक है। उसके बाद है कि चूंकि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, 35,786 किलोमीटर जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अर्थ का बहुत बड़ा पोर्शन आसानी से कवर जो है कर पाते हैं। काफ़ी ऊंचाई हाइट पे होंगे तो ये अर्थ का बहुत सारा पार्ट देख पाएंगे, इसी कारण से इनको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछेगा नेक्स्ट सवाल कि सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कब लॉन्च किया गया था, तो 1983, जो कि INSAT-1B के नाम से जाना गया है। अभी अगर हम बात करें करेंटली कौन कौन से सैटेलाइट है इसमें, तो INSAT-3A है, INSAT-3C है, INSAT-3E है, उसके बाद आप देख लीजिए INSAT-4B है, उसके बाद GSAT-8, GSAT-10, GSAT-12। तो बेसिकली आपको याद रखना है INSAT और GSAT जितने भी हैं वो किस में आते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में। इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन से ऑर्बिट में है, तो GEO में है। कितने हाइट पे होते हैं GEO, 35,786 किलोमीटर, और पहला कब, 1983। अब यूज़ पे आते हैं, तो यूज़ इनका क्या क्या यूज़ है, इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, टेलीफोन में, वेदर फोरकास्ट
फोरकास्टिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मौसम की जानकारी है वो इसी से मिलती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी आपने अम्फान जो साइक्लोन देखा, ये सब जितने भी डिजास्टर वार्निंग है ना कि कौन सा चक्रवात आने वाला है, कौन सा तूफान आने वाला है, वो सब इसी सैटेलाइट की मदद से हम पता लगाते हैं। और रेस्क्यूज ऑपरेशन, जहां जहां पे भी बचाव का काम किया जाता है उनके लिए भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद ली जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरे नंबर का टाइप ऑफ सैटेलाइट, जो कि यूपीएससी और एमपीपीएससी में काफी फेमस है, जो कि है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदन। हालांकि इस टॉपिक को हम काफी डीप में जाके कवर करेंगे, क्योंकि आपको इसमें दो पार्ट भी पढ़ने हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। अभी तो फिलहाल हम थोड़ा ब्रीफ में ही जानते हैं कि सबसे पहला है कि इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो इसे IRS-1A के नाम से 1988 में इसरो ने लॉन्च किया था। IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग। उसके बाद है कि करेंटली अभी आप अगर देखोगे तो 11 सैटेलाइट जो है वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें आता है रिसोर्स सेट 1 एंड 2, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B, रिसैट 1, ओशियन सैट। ओशियन सेट अभी काफ़ी फेमस भी हुआ था, क्योंकि ओशियन सेट का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली हाइड्रोग्राफी में होता है, समुद्र सीज इन सब के लेवल्स, मीन सी लेवल जो न्यूनतम समुद्र तल की ऊंचाई होती, इन सब का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ये कहाँ पे है, तो ये देखो एलियो में, पिछले वाले कहाँ थे जीईओ में, जबकि ये एलियो में है। और मैंने आपको बताया था कि एलियो ऑर्बिट किन्हें बोलते हैं, तो जो अर्थ से लगभग 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में जितने भी ऑर्बिट होते हैं वो LEO ऑर्बिट होता है। और मैंने बोला था कि यहाँ पे जो भी सैटेलाइट होंगे वो काफ़ी तेज होंगे, क्योंकि LEO में इन्हें जो टाइम लगता है अर्थ का चक्कर लगाने में, वो मैंने बताया था कि लगभग 90 मिनट्स में ये चक्कर लगा लेते हैं। अब आता है कि इनके यूज़ पे, कि इनके यूज़ क्या क्या है। तो देखो, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, पानी के बारे में, अर्बन प्लानिंग, अगर सपोज करो कि कहाँ पे हम अगर जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा एरिया है और हम किस तरीके से प्लानिंग करें किसी भी शहरीकरण के लिए, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर गाँव का विकास करना है, मिनरल के बारे में पता लगाना है कि कहाँ पे कौन से एरिया में कितना ज़्यादा कोयला है, लोहा है, उसके बाद हमको देखना है कि इन्वायरमेंट के बारे में, कि अगर पर्यावरण के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बाद आप देखते हो कि हर साल या हर 2-3 साल में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कहीं की, वो पता लगाती है या गूगल मैप से इमेज देती है कि कहाँ पे कितने पेड़ हैं या कहाँ कितनी डेंसिटी है। तो ये सभी चीज़ जो है ना, ये जितने भी यूजेस हैं ये सब किससे होते हैं, रिमोट सेंसिंग से। और रिमोट सेंसिंग आपने कई बार सुना भी होता है कि ये एक बेसिक फॉर्म की एक टेक्निक है, जिसमें हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, उसके बाद अर्बन प्लानिंग, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, इन सब के लिए हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करके एक इमेज लेते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं काफ़ी ऊंचाई से, क्योंकि ऊंचाई से फ़ोटो लेने से आप काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। तीसरे टाइप का जो सैटेलाइट होता है, इनको हम बोलते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स, मार्गदर्शी उपग्रह। तो ये हालांकि मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी जीपीएस आपको पढ़ा चुका हूं और जीपीएस काफ़ी डीप में पढ़ाया था मैंने आपको, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी की बात करेंगे कि नेविगेशन सैटेलाइट मार्गदर्शी जो है, नाम से ही क्लियर है, कहाँ इस्तेमाल होगा, जीपीएस में, जो कि हम किसी भी लोकेशन के बारे में पता लगाने में इस्तेमाल करते हैं कि हम कहाँ पे एग्जैक्टली खड़े हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कौन कौन से सैटेलाइट आते हैं, तो मैंने आपको बताया था IRNSS, जो कि बेसिक फॉर्म में अभी नाविक के तौर पे अभी जाना जा रहा है। और जब ये नेविगेशन सैटेलाइट की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि नाविक अब ऑपरेशनल हो चुका है, नाविक अब काम करने लगा है। नेक्स्ट चीज़ है कि कहाँ होते हैं, ये GSO में होते हैं। GSO आप याद करिए, मैंने बताया था आपको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसमें मैंने बताया था भूसमकालिक कक्ष, जो कि कहाँ पे होते हैं, 35,786 किलोमीटर पे। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने क्लियरली डिफरेंस बताया था GEO में और GSO में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया था कि अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ जो ऑर्बिट होगा, सिर्फ एक ऑर्बिट, ये GEO होता है, जबकि इसकी भी हाइट कितनी होती है, 35,786। जबकि यही चीज़ अगर आप इस तरीके से अर्थ के इस तरीके से मतलब इंक्लाइंड कर दो, झुकाव पे कर दो, ये इसकी भी हाइट कितनी होगी, 35,786 किलोमीटर, ये GSO हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि इसी में एक टाइप का सैटेलाइट है, इसको हम बोलते हैं रिनेसेंस सैटेलाइट। अब ये जो है ना,
ये बेसिक फॉर्म में आपने हिस्ट्री में कई बार इस वर्ड का नाम सुना होगा, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का इससे क्या रिलेशन, तो बेसिक फॉर्म में ना ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये नॉर्मल सिविलियंस के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और मिलिट्री पर्पज़ में कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखने के लिए, सपोज करो कि कोई मिशन चल रहा है, वहाँ ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आपने उरी सुना होगा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर हमने अनमैन ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीज़ों से जब हम किसी भी एरिया का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि पता लगाना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, कितने ईस्ट पे, कितने वेस्ट पे, कितने नॉर्थ पे, कितने साउथ पे, कौन सा एरिया है, इनका पता लगाने के लिए जिस सैटेलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं उनको रिनेसेंस सैटेलाइट बोलते हैं। और ये आमतौर पे सिविलियंस के लिए नहीं होता है। अब बात आती है हाइट, तो इसमें हाइट सिंपल सी चीज है कि इसमें भी LEO का ही इस्तेमाल होता है, लो अर्थ ऑर्बिट का, लेकिन डिपेंड करता है हम किस टाइप के मिशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो पोजीशन होगा कि ये सैटेलाइट कहाँ होगी, ये कभी भी फिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट सैटेलाइट है हमारा साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेशन। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक फॉर्म में वैज्ञानिक और अन्वेषण के जो उपग्रह हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर सपोज करो कि हमको ब्लैक होल के बारे में जानना है, सपोज करो कि हमको अपने आकाशगंगा के बारे में जानना है, सपोज करो कि हमें अर्थ के बारे में जानना है, सपोज करो कि हमें और नए ग्रह जो ढूंढना है, तो इनके लिए जो सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं ना, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और हर साल UPSC में अगर आप देखो तो इनसे क्वेश्चन रहता है, ऑर्बिट से तो रहता ही रहता है, कक्ष से तो क्वेश्चन रहता ही है, और इनसे भी रहता है। अब आता है कि जितने भी, जैसे कि अगर मान लो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में अगर हम बात करें, एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में, प्लैनेटरी एंड अर्थ साइंसेस के फील्ड में, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, सिंपल मतलब है कि अगर हम बात करें खगोल विज्ञान, उसके बाद हम बात करें खगोल भौतिकी, उसके बाद खगोलीय पिंड के बारे में, उसके बाद जितने भी वातावरण से रिलेटेड या ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी खोज होने हैं, उन सब के लिए जो सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है वो साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट कहलाते हैं। इसका हाइट बिल्कुल भी फिक्स नहीं होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अर्थ के चारों तरफ घूम भी सकती या नहीं भी। अभी तक हमने जितनी भी बात की, जैसे कि मान लो नेविगेशन हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, और ये कम्युनिकेशन हो गया, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जबकि साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में ज़रूरी नहीं कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए, जैसे सिंपली गगनयान। अब गगनयान जो मिशन है, जो कि 2022 में जाने वाली थी, अब उसमें क्या है कि वो पहला मैंड मिशन है। मैंड मिशन का मतलब है कि हम इसमें भारत कोशिश करेगा कि पहली बार ब्रह्मांड में कुछ लोगों को सैटेलाइट या रॉकेट के जरिए पहुंचाया जाए, जहां वो कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करें ब्रह्मांड में, और कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करें कि वहाँ की लाइफ कैसी है, और किस तरीके से वहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, कितनी डेंसिटी है, और मतलब इंसान पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम अर्थ के चारों तरफ उसको घूमने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उसको एक ही जगह पे छोड़ेंगे। उसके बाद जैसे आप बात करिए एस्ट्रोसैट, जो 650 किलोमीटर पे अर्थ से छोड़ा गया था, ये काफ़ी फेमस मिशन है, जिसमें कॉस्मिक सोर्स के बारे में पढ़ना था, कॉस्मिक सोर्स, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें जो होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट को घूमने के लिए छोड़ें, डिपेंड करता है कि हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे सपोज करो कि आपने आदित्य L1 का अगर नाम सुना हो, तो आदित्य L1 ऐसा मिशन है जिसमें सन के पास इसे छोड़ा गया था, ताकि सन के बारे में स्टडी करें। तो ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहा, ये सन के पास है, जिसमें आपने अगर लैंग्रेंज ऑर्बिट का नाम सुना होगा, लैंग्रेंज पॉइंट का, ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें मंगलयान, तो मंगलयान जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर तो नहीं लगा रहा है, उसे हमने मार्स के लिए भेजा था, मंगल ग्रह के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आता है स्टूडेंट सैटेलाइट। इस साल अगर आपने MPPSC दिया होगा, तो इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जिसमें था ये सत्यभामा सैट, जो कि प्री में पूछा गया था। सत्यभामा सैट इज अ सैटेलाइट ऑफ टाइप, कि किस टाइप का सैटेलाइट है, तो ये स्टूडेंट सैटेलाइट है सिंपली। तो देखो क्या है कि जैसे जैसे इसरो जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे जैसे इसरो जो है वो कई सारे जितने भी स्पेस के फील्ड है वहाँ पे नए नए सैटेलाइट्स को छोड़ रहा है, तो इसरो ने क्या किया है कि जो जितने भी यंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च में, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं सैटेलाइट और जितने भी इसरो के रिलेटेड फील्ड है, उनमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना, डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पे एज अ गाइड स्टूडेंट को हेल्प करती है इसरो। और ताकि जैसे
अपने यूनिवर्सिटी के नाम पे या अपने प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ सैटेलाइट जो है ये लॉन्च कर सके, ताकि बेसिक फॉर्म में क्या हो ना कि आप अगर देखिए कि स्टूडेंट को सिर्फ इनकरेज करने के लिए ये सैटेलाइट के टाइप्स बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि एडू सेट जो प्रोग्राम है वो काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि एडू सेट को पहली बार सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिकली स्टूडेंट सैटेलाइट के कैटेगरी में ही आता है। फिर उसके बाद आप देखते हो कई सारे ऐड देखते हो जिसमें क्या है, आजकल की जो एनजीओ चल रहे हैं कई, जैसे आप कई कॉपियाँ आपने देखी होंगी, कॉपीज के पीछे लगा होता है फॉर पुअर चिल्ड्रन, फॉर पुअर पीपल्स। तो यहाँ पे जो भी हम स्कूल के चिल्ड्रन को, जो प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन हैं, इनको जो हम एजुकेशनल टीवी दिखाते हैं, एजुकेशनल जितने भी हम उनको वीडियोस दिखा रहे हैं, उसमें भी हम एजुकेशनल टीवी सीरीज में भी इन टाइप का सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली किसी यूनिवर्सिटी ने जो कि काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होगी, जैसे IIT दिल्ली, IIT मुंबई, इनके द्वारा छोड़ी गई होगी। उसके बाद आप स्टूडेंट सैटेलाइट में और आप देख सकते हो कि इनका इस्तेमाल टेलीमेडिसिन प्रोग्राम में भी इसरो ने किया था, जो कि बेसिकली 2001 में लॉन्च हुआ था। अब इसमें क्या था कि टेलीमेडिसिन प्रोग्राम का सिंपल सा काम था कि वो एरिया जो रिमोट एरियाज में आते हो, विलेज एरियाज, गांव के एरिया, जहां पे बेसिकली पूरे तरीके से मेडिकल फैसिलिटी हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो वहां पे 100% तरीके से उन रिमोट एरियाज में भी हम किस तरीके से हम सुपरविजन रख सकते हैं और कैसे हम सारी फैसिलिटीज़ को और अपग्रेड कर सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। अब एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे अनु सेट, स्टड सेट, यूथ सेट, जुगनू, सत्यभामा सेट, ये सब के सब स्टूडेंट सैटेलाइट्स में ही आते हैं। तो नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, स्टड सेट मतलब स्टूडेंट सैटेलाइट, यूथ मतलब यंग से रिलेटेड, सत्यभामा सेट जो सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है उसके नाम पर है अनु सेट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है। तो ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, जिसमें हमने 5 टाइप देखे, स्टूडेंट सैटेलाइट, साइंस एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन, उसके बाद रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में क्या सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं? तो ये टॉपिक सिंपली करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको इस टॉपिक को और अच्छा बनाने के लिए आपको लगातार करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आप अगर देखो तो नए सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और अलग अलग ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए छोड़े जाते हैं। इस साल तो जो पूरा टाइम है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, पर मे बी आफ्टर कोरोना वायरस जो अभी पेंडिंग वर्क्स हैं इसरो के, उसको धीरे धीरे हम लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लगातार न्यूज़ देखते रहें। चूँकि मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट अभी तक जो छोड़े गए, जितने भी ये जो लिस्ट है जो मैंने आपको 5-6 जितने भी टाइप्स बताए सैटेलाइट की, ये मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम में 10 सिलेबस टाइप करके वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और हम वहाँ पे आपको लगातार जो है वो जितने भी PDF मटेरियल है हम वहाँ पे अपलोड करते जाते हैं। तो होप करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम फिर मिलेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जहाँ पे हम बात करेंगे साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में। और अभी जो चीज़ मैंने आपको ब्रीफ में बताई है, जो कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड जो मैंने आपको बताया है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रॉकेट में आएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।